जिक्र भी नहीं किया, और उन्होंने मुतमईन, आपको मैंने कल भी बताया कि वो यहाँ के ट्रीटमेंट से मुतमईन है, बल्कि आज वो बारह दफ़ा उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर ताहिर शमसी साहब की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से मुतमईन हूँ और मैं आई एम हैप्पी विद द ट्रीटमेंट, ना उन्होंने जिक्र किया। तो मैं वैसे सबसे बड़ी ये बात है, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा ऑफ एनी पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा। कोई भी किताब खोल के देख ले, उसमें एक सेट वो बताया हुआ है और हम वो सेट ऑपरेशनल प्रोसीजर करते हैं। डॉक्टर ये बताइएगा, टेक्निकलिटी तो आप यकीनन आप सब डॉक्टर जानते हैं, लेकिन प्लेटलेट्स किट्स लगाने के बावजूद उनके प्लेटलेट्स कभी बढ़ते हैं कभी कम जाते हैं, तो जो आपने इंजेक्शन लगाना शुरू किया है ये कौन सी चीज होती है जो जब पेशेंट को इस सूरत हाल में इंजेक्शन लगाए जाते हैं? बेटा ये जब नॉर्मल अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जब प्लेटलेट्स गिरते हैं और हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि एंटीबॉडीज की वजह से हो रहा है, तो इंजेक्शन शुरू कर दिए हैं। अब मकसद ये है कि वक्त लगेगा कि वो एंटीबॉडीज जो है उनके ऊपर ये जाके इम्यूनोग्लोबुलिन्स अपने आप को अटैच कर देंगी ताकि वो अपना ये डिस्ट्रक्टिव काम बंद कर दें, और इंशाल्लाह क्योंकि उनका बोन मैरो उनके वो बना तो रहे ना, आपको पता है कि उनके प्लेटलेट्स तो बन रहे हैं, ये नहीं है कि प्लेटलेट्स नहीं बन रहे, मकसद ये कि डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। सुबह से भी एक खबर कोशिश कर रही है कि नवाज शरीफ के कामों पर धब्बे जो है वो धीरे धब्बे खतरे की बाइस नहीं होते। हम मसला ये है कि आपके टांग पे कभी धब्बा पड़ा है? मेरे भी पड़ जाता है कई दफ़ा, छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन नेचुरली उनके क्योंकि प्लेटलेट्स कम थे तो वो हमने खास तौर पे एग्जामिन किए, वो छोटे धब्बे पड़े थे, धब्बे नहीं होते, वो थोड़ी थोड़ी पटिकल हेमरेजेस हम कहते हैं, रैश सी लगती है, और सुबह से जो वो रैश है वो टोटली स्टेबलाइज हुई हुई है। मैंने खास तौर पर इनसे अभी आके यही बात पूछी कि जितनी रैश उनकी सुबह थी क्या अभी भी उसी तरह है या कोई बड़ी है, तो इन्होंने बताया कि नहीं उसी तरह है। यहाँ पे डेंगू बहुत फैला, मच्छर बहुत हैं, तो इससे पहले कि वो हम में से किसी को काट ले फाइनल बात कर दें ताकि हम इस डेंगू से बच सके। आप इंशाल्लाह इस डेंगू से बचे रहेंगे, क्योंकि मसला है कि जितनी रोशनी आपने की भी है ना इसमें वो मच्छर नहीं आता, आपकी मेहरबानी इसका फायदा बढ़ा। डॉक्टर साहब ये कह दें बता दें कि क्या नवाज शरीफ स्टेबल हैं, उनकी हालत खतरे से बाहर है, इसको जरा बयान करें। देखिए बेटा मकसद ये है कि आपको इस बात के बारे में एहसास होना चाहिए कि नंबर वन ही हैज मल्टीपल प्रॉब्लम्स, एक प्रॉब्लम नहीं है, हाइपरटेंसिव है, ब्लड प्रेशर उनका ज्यादा है, अनकंट्रोल्ड उनकी डायबिटीज है, शुगर उनकी अनकंट्रोल्ड है, कल जब आए थे तो तब उनका 180 फास्टिंग ब्लड शुगर था, इसका मतलब है उनका शुगर प्रॉपरली कंट्रोल्ड नहीं थी। उसके अलावा आपको पता है उनके दिल के ऑपरेशन हुए हुए हैं, उनके थोड़ा सा उनका जो रीनल फंक्शन है वो भी डिरेंज है, ये सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं जो उनकी कोमॉर्बिडिटीज में कहा जाता है। बाकी जिंदगी अल्लाह ताला के हाथ में होती है, इंशाल्लाह हमारे अंदाजे से और इन सब के अंदाजे से ये है कि ही स्टेबल और इंशाल्लाह जल्दी इस मुश्किल से बाहर निकल आएंगे। एक घंटे की बात सुनो, जैन नवाज ने बैरूने मुल्क में डॉक्टर की एक टीम तशकील दी है, खबरें गर्दिश कर रही हैं, आप कह रही हैं कि नवाज शरीफ ने कोई बात नहीं की बैरूने मुल्क जाने की, अगर वो हुकूमत से इजाजत मांगते हैं तो आप लोग देखिए, मकसद ये है कि मैं तो कोई भी नहीं हूँ ना इजाजत देने वाले, जहाँ से इजाजत लेनी होगी उन्हें भी पता है कहाँ से लेनी है, जहाँ से ले, आपको ये कोई ढकी छुपी बातें तो नहीं है ना, या कोई ऐसी को हमारे पास कोई वो खामोशी की, आपको भी पता है कि ही इज अ कन्विक्टेड पर्सन, तो परमिशन तो इनको जो भी होगी वो कोर्ट से ही मिलेगी। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है बाहर का, हमने उनके साथ सारी उनकी रिपोर्ट शेयर की है, उनके जो अपने मॉलेज हैं जिनका नाम डॉक्टर अदनान है उनसे हर बार डिस्कस होती है, ट्रीटमेंट डिस्कस होता है, उनके अप्रूवल के बाद हम बाकायदा ट्रीटमेंट, और हमने रिपोर्ट्स इसीलिए उनको सारी दी हैं कि आप कहीं भी दुनिया में शेयर करना चाहते हैं ये दिखाइए रिपोर्ट्स, और अगर आप मजीद कोई ओपिनियन लेना चाहते हैं आप साउथ अफ्रीका उनसे बात की कि आपकी रिपोर्ट्स डॉक्टर साहब के जो तहकीक के मुताबिक मोहम्मद नवाज शरीफ का क्या स्टैंड है, कि क्या वो बाहर से इलाज करना चाहते हैं या वो सेटिस्फाइड है? मैंने
میں نے بیٹا آپ کو میں نے خالی چوتھی دفعہ کر رہی ہوں, اب آپ دھیان سے سن لیجیے. میں نے کل ان کے پاس گئی تھی جب, تو میں نے ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے کے بعد, عمران خان صاحب اور چیف منسٹر کی گڈ وشز دینے کے بعد, میں نے ان کی طرف سے پیغام دیا کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی اور ڈاکٹر کی ضرورت ہے, کوئی فیسلٹی کی ضرورت ہے, ہم نے جہاز تیار رکھا ہوا ہے, اگر باہر سے آپ کو ڈاکٹر بلوانا چاہتے ہیں ہم ڈاکٹر بھی بلوا لیں گے, وٹ ایور وی وانٹ وی آر دیئر ٹو ہیلپ یو ان یور ٹریٹمنٹ. انہوں نے آگے سے یہ فرمایا کہ میں اپنا یہاں جو علاج ہو رہا ہے, بلکہ انہوں نے بہت تعریف ایاز کی کہ انہوں نے بہت میرا دھیان رکھنے ہیں, اور یہ سارے بلکہ کل ڈاکٹر عامر زمان بھی تھے کہ یہ سب میرا بہت دھیان رکھتے ہیں اور مجھے بہت, میں مطمئن ہوں. انہوں نے اپنے مطمئن کا اظہار کیا, اور اس بات پہ ان کے بھائی بھی اس وقت بیٹھے ہوئے تھے شہباز شریف صاحب, چونکہ یہ وہ بہت ساری دیگر بیماریوں کا بھی شکار ہیں اور ادویات لے رہے ہیں, تو یہ جو اینٹی باڈی کا کسی دوائی کا ریکشن ہو سکتی ہے؟ نہیں بیٹے, یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جو لو پلاٹ اور وہ لے رہے تھے اس میں 0.1%, وچ مینس کہ اگر 1,000 مریض لے رہے ہیں یا 2,000 مریض, میں سے شاید کبھی ایک مریض یا مے بی اس میں شاید چانس ہو, کوئی اباؤٹ 5 کیسز ایسے ریکارڈڈ ہیں دی ڈین کے رزلٹ, وہ تو ہم نے ویسے ہی بند کر دی تھی ان کی, وہ تو جب آئے تھے تو بند کر دی تھی کیونکہ آلریڈی پلیٹلیٹ اتنے کم ہو گئے تھے, تو وہ اگر ان کا افیکٹ ہوتا تو اب تک پلیٹلیٹ جو ہے وہ رہتے. تو ڈیفینیٹلی جو ڈائگنوسز انہوں نے کی ہیں 99% ڈائگنوسز وہی ہے, اور انشاءاللہ اس کا نتیجہ ایک دو دن میں. بہت شکریہ.